Okay guys, about the next concept part. So far we have been discussing intercepts on coordinate axis. And indirectly intercepts on x-axis, y-axis. वैसे भी वो तो lines हैं. What if they are not x-axis and y-axis? If it's a general line, then what? Let's see. Right now, intercepts, intercept, cut off by circle on a line. इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय सर्कल ऑन अ लाइन. ठीक है, माने ये अपना सर्कल होगा, ये कोई लाइन होगा, राइट, से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सिंपल, ये सर्कल का सेंटर होगा. ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय सर्कल माने ab. ठीक है, वी हैव टू फाइंड ab हियर, ab फाइंड करना है. हाँ, अपने पास ना इक्वेशन ऑफ सर्कल है. वी डू हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 0 या सेंटर रेडियस फॉर्म. डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. माने अपने पास सेंटर है और अपने पास रेडियस भी है, बस अपने को इंटरसेप्ट ए बी ढूंढना है. कैन वी फाइंड दैट? कैसे? यस. अच्छा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट इज द मोस्ट हॉरिबल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन हाँ, वो एक मेथड है कि लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कोई एक वेरिएबल के डिवाइड करके एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो. हाँ, वो तो है, बट नहीं, लेट्स नॉट डू दैट. और कोई मेथड है क्या? देखो, ये फोटो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या सेंटर है, लाइन है, क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अच्छा, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दिया बी. क्या ये परपेंडिकुलर ए बी को बाइसेक्ट भी तो करता है? मान लो ये पॉइंट को मैंने नाम दिया बी और मैंने बी सी को ज्वाइन किया, राइट? अच्छा, ये बी सी क्या है बेसिकली? आर. अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरसेप्ट किया है ना, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय लाइन, बट कट ऑफ बाय सर्कल ऑन द लाइन इज बेसिकली ए बी, बट ए बी इज Twice BD, isn't it? और BD जो है, ये देखो BD, CD और BC, they are forming a Pythagoras triplet, right angle triangle. तो clearly देखो, R square is D square plus BD square. मतलब clearly BD square is R square minus D square. And that to root over. सिंपल क्वेश्चन, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट. शायद से ये फोटो हमने पहले भी डिस्कस किया था, याद है? हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है और कोई दूसरा सर्कल का इक्वेशन वाज गिवन टू अस. दूसरा सर्कल का डायमीटर इसका कॉर्ड है, याद है? दूसरा सर्कल का डायमीटर इसका कॉर्ड था, तो उसका सेंटर भी था अपने पास और उसका रेडियस भी था. ये सेंटर भी है, बड़ा सर्कल का सेंटर भी था अपने पास, दोनों के बीच का दूरी, एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस. सेम फोटो है, सेम फोटो है. ठीक है, तो अब ये देखो, अब क्या है यहां? तो पॉइंट नंबर वन है कि ये इंटरसेप्ट होता है, राइट? तो अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड. अच्छा, इसका दूसरा नाम है इंटरसेप्ट, इज बेसिकली लेंथ ऑफ कॉर्ड, इनडायरेक्टली है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन. अच्छा, पॉइंट नंबर टू, क्या ये ए बी मैक्सिमम कब होता है? ए बी मैक्सिमम कब होता है? जब वो डायमीटर बनेगा. माने ये कहां से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा. जब वो सेंटर से पास करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? जीरो. AB max is when D zero, माने 2R itself. This is when D zero, माने लाइन passes through सेंटर. ठीक है, ये वाला D zero. अच्छा, AB minimum कब होगा? Very interesting. AB minimum कब होगा?
वेरी गुड। एबी मिनिमम कब होगा? जब उसका फोटो ना ऐसे दिखेगा, जब वो टेंजेंट बनेगा, माने कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, हाँ वो टेंजेंट बनेगा, माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू आर, वही खुद आ रहा है, सो बेसिकली जीरो, दिस इज व्हेन डी इज इक्वल टू आर, सिंस है ना, सिंस डी इज इक्वल टू आर। अच्छा तो ये देखो, इस केस में, इस केस में इस लाइन को बोला जाता है सिकेंट, है ना, सिकेंट इज लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये सिकेंट होता है। और इस केस में ये जो है ये टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है। क्या कोई एक और केस है क्या? इज देयर एनी अदर केस? देयर इज अ केस वेयर बी इज ग्रेटर देन आर, ऐसा हो सकता है क्या? देखो सिकेंट वाला केस में डी लेस देन आर था, इज इट? देखो ये पूरा दूरी आर है, ये पूरा दूरी आर है, ये दूरी डी है, तो डी इज लेस देन आर, यहां डी इज इक्वल टू आर। क्या डी ग्रेटर देन आर होता तो कैसे दिखेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये रेडियस है, तो डी आर से बड़ा है, तो इन सच केसेस ये लाइन सर्कल को टच भी नहीं करता, इंटरसेक्ट भी नहीं करता, है ना। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं डिसजॉइंट केस, सर्कल एंड लाइन आर डिसजॉइंट, सर्कल एंड लाइन आर डिसजॉइंट, सिंपल। सो तीन केसेस पॉसिबल है टिपिकली, तो इंटरसेक्ट होने के लिए इट शुड इंटरसेक्ट सर्कल एट, इंटरसेक्ट होने के लिए इट शुड इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। सो अल्टीमेटली यू सी ये पहला केस था वेयर डी इज लेस देन आर, तो इस केस में लाइन इज सिकेंट, है ना, या डी इज इक्वल टू आर, इस केस में लाइन इज टेंजेंट, या डी इज ग्रेटर देन आर, इस केस में लाइन कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, ब्रेकअप हो गया एकदम, यू नो लिमिटिंग केस था ये, है ना, एकदम वेरी क्रिटिकल केस, या एकदम हेल्दी केस है यार। सो दिस लीड्स टू अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस, इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ये है, ये वाला, क्या कोई लाइन सर्कल को, सर्कल का टेंजेंट कब बनेगा? सिंपल सा केस, आपके पास सर्कल पड़ा है, कोई लाइन पड़ा है, कि क्या वो टेंजेंट है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? इज इक्वल टू रेडियस, सिंपल। अच्छा क्या ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट? वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाउ डू यू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? बाय इट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, इट इज बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू टेंजेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू टेंजेंट। अच्छा ये देखो इधर भी आपको ना मिड पॉइंट निकालना है, हाँ एक और पॉइंट, ये सब नोट नोट में लिखना है आपको, ना नोट नोट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन लाइन एल, सेकंड ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। हाउ डू यू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड? सेम फंडा, सेंटर का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा सो इंपॉर्टेंट केसेस है, तो ये देखो, तो अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट वी नीड टू रिमेंबर, डी लेस देन आर तो इंटरसेप्ट होगा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डी इक्वल टू आर टच करेगा कोई इंटरसेप्ट जीरो है, डी ग्रेटर देन आर तो नीदर टचिंग नॉर इंटरसेप्टिंग, डिसजॉइंट केस, ठीक है। अच्छा और इसमें देखो ये रिलेशन एकदम important है, two root as per minus d square, इसमें हो सकता है कि you might be asked to find radius, you might be asked to find length of intercept, है ना, कभी कभी बार radius find करते हैं, कभी कभी बार length of chord find करते हैं, है ना। Let's solve some questions based on this. Find length of chord of circle x square plus y square
-2x + 4y - 20 = 0 along the line 4x - 3y - 10 = 0. If a circle with center 2, -1 cuts off and intersects of 6 units on 2x - 5y + 18 = 0, then r is equal to the radius of the circle is equal. Right? चलो पहले फटाफट. So ये circle है, ये line है, ठीक है? So guys remember here is asking us to find length of chord. मैंने basically length of intercept. Intercept का क्या formula है अपने पास? इंटरसेप्ट ए बी इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला है? 2√r² - d² है ना. अच्छा पहली बात वी नीड टू फाइंड सेंटर -1, 2 और रेडियस √g² + f² + 20 कितना 5x है ना. रेडियस आ गया 5. तो अपने को क्या फाइंड करना है? पहले D निकालना है अभी अपने को, है ना? We need to find D. How do you find D? Perpendicular distance from center onto this line. How do you find perpendicular distance? Remember, L11 modulus of point उसमें डालेंगे -4, -6 और -10 upon 5, isn't it? So d is equal to how much? 4 units. D have, is it? We have 4 units. Simple. So therefore, length of intercept is 2√(25 - d²). 2 into chassis 3, which is 6 units. Simple. Easy. Acha, what would have happened had d be equal to 0? अगर मान अगर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, व्हाट इफ आई हैव डन दिस, व्हाट वुड हैव हैपेंड? इट वुड हैव बीन प्लस 10, डी वुड हैव बीन इक्वल टू 0. हां डी 0 है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब वो सेंटर से पास हो रहा है, माने ये सी लाइन पर है तो डायमीटर होगा, माने डी 0 लगाने से 2 × 5 वुड हैव बीन 10. Right. What if I would have done this, you know, what if A goes to it? Okay, or questions correct. Next question. And the second question. So, is question mein kya hai ki we have been given center, fine. Kya aapne paas center hai? Haan. 2, -1. Aur aapne paas intercept bhi hai. अच्छा ये वाला लेंथ है 6 यूनिट. ओके अच्छा क्या इसका मतलब ठीक है? तो वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट. एनीवे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट से वो दूरी. So d is modulus of कौन सा ये पॉइंट उसमें 4 + 5 + 18 upon अरे रूट में आ रहा क्या? √2 = 4 + 5 = 20. 5 + 4 = 9, 27 upon √20 सही है क्या? So anyway ultimately formula क्या आपने पास intercept का 2 × √r² - d² isn't it? And that is given to be 6. 2, 3, 9. r² - d² is 9. So r² is 9 + d² 27 plus square.
सॉरी ये 3 है, 3 तो 3 टू 6 प्लस 5, हाँ 5 प्लस 6 11, तो ये 29 है ना, इसका मतलब ये रूट 29 होगा, राइट। अब ये बेटर है, सो ये आर स्क्वायर माइनस 29 इज 9, सो आर स्क्वायर इज 38, तो आर इज इक्वल टू रूट, ठीक है, सिंपल। समटाइम्स विल बी गिवन इंटरसेप्ट, समटाइम्स विल बी गिवन रेडियस, एवरीथिंग यू नीड टू फाइंड इंटरसेप्ट, टिपिकल क्वेश्चन है। x square plus y square is equal to a square makes a chord of length 2b. Makes a chord of length 2b on y is equal to mx plus c. Then prove that c square is 1 plus m square into a square minus c square. If a line L1 passing through 0,0 and L2 on then find equation of line 2. Find coordinates of middle point of chord of circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 is equal to 0 cut off by x minus y plus 2 is equal to 0. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वाला इसी पे डिपेंडेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो क्या बेसिकली वही फंडा, हमेशा वही फोटो, ठीक है, यहाँ सेंटर क्या है, राइट, रेडियस कितना है, एक इज इट, अच्छा तो गाइस रिमेंबर इंटरसेप्ट इज ऑलवेज गिवन बाय 2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है, 2b, ये पूरा लेंथ दे रखा है 2b, तो ये 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर, r की जगह कौन है, a है, a स्क्वायर, बस अपने को d निकालना है। रिमेंबर d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस लाइन, लाइन जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे पहले, तो mx minus y plus c 0, सही है, ओरिजिन इसमें डालेंगे मॉड, ओरिजिन इसमें डालेंगे 0 0 c अपॉन रूट ओवर m square plus, सही है, इसका स्क्वायर, तो c square अपॉन m square plus, 2 2 कटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आ गया क्या आंसर आपका, आ गया ना, तो ऐसा रीअरेंज करना है, ये इधर और b square इधर, c square upon 1 plus m square is a square minus b square, so ultimately c square is a square minus b square into 1 plus m square. कुछ क्वेश्चन नहीं था, मैं इजी अलेस लेट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा,
क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, यहाँ लाइन ही ढूंढना है, लाइन पता करना है क्या दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, दैट्स व्हाट इज गिवन टू अस। सो दो लाइन्स है यहाँ। अच्छा ये देखो, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। वाई एन एक्स, देखो ए भी अननोन क्वांटिटी है, एम बस एम पता करना है तो इक्वेशन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन दिस सर्कल इज इक्वल टू इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन दिस सर्कल। तो क्या करें, पहले उसका इंटरसेप्ट निकाल है, इसका इंटरसेप्ट निकाल है, निकालने का दोनों को इक्वेट कर देता है ना। चलो पढ़ा, तो क्या आप करोगे ऐसे होगा, ये एडवांस में आ चुका है। चलो मैं फिफ्थ वाला होमवर्क ले दूंगा, फोर्थ वाला ले लेंगे। ठीक है, वही फोटो, इसका सेंटर क्या है, 1/2 -3/2। देखो फ्रैक्शन आ गया, टिपिकल एडवांस क्वेश्चन, ऑलवेज मेक्स यू नो लाइफ डिफिकल्ट। रेडियस क्या है इसका, रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, 1/4 9/4 √10/4 √5/2, ये आर है इसका, है ना। ठीक है, अच्छा ये है √5/5। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी बी तो निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस वन जीरो, है ना। तो डी कितना आएगा इसका, मॉड ये इसमें 1/2 -3/2 -1 अपॉन √2, 1/2 -3/2 -1, -1 -1 -2 का मॉड 2 माने √2। तो देयरफॉर इंटरसेप्ट दिस 2 इनटू √2 r स्क्वायर -d स्क्वायर, 2 इनटू √2 1/2 माने 2/√2, है ना। अभी 2/√2, अब चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो 1/√2। अच्छा इसका रेडियस भी, रेडियस और प्रॉपर्टी डिस्टेंस सेम है, इज इट, व्हाट डस इट मीन, डस इट मीन एनीथिंग, ये इसका टेंजेंट है। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ गलत तो नहीं किया ना, ये तो डाउट आ रहा है। अरे नहीं नहीं, इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ इसका मतलब कुछ नहीं है, सॉरी सॉरी मुझे लगा कि रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी दूसरा लाइन, दूसरा लाइन के लिए y इज इक्वल टू mx, अब वापस y फोटो बनेगा यार, इसमें दो क्वेश्चन लग रहा है ना, दो बार करो वो चीज, वापस 1/2 -3/2, इसको जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे mx minus y 0, तो दूरी perpendicular distance m/2 +3/2 है ना upon root m square plus 1, ये mod के साथ है ना, तो 3 plus m upon 2 into √ m square plus 1। okay अच्छा रेडियस दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, वही सर्कल है। अच्छा चलो अब वापस वही फंडा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है इसका, √2, तो इसका भी इंटरसेप्ट √2 इज इक्वल टू √ r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। डेंजरस लग रहा है, और इसका भी स्क्वायर है देखो, डेंजरस क्वेश्चन। और क्या करें अभी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया मैंने, और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसको इधर और एक्सपैंड, 9 + 6 m प्लस m स्क्वायर, 4m² प्लस 4, अच्छा एक काम करें 4 × 5/2 -2 1/2 होगा, सही है, एक 2 कटेगा, बढ़िया।
महाप्रसाद। तो ये एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम प्लस नाइन इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर प्लस टू। तो सभी के सभी आरएचएस की तरफ तो क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम माइनस सेवन जीरो, सही है क्या? हो रहा है क्या? अरे हो रहा एम माइनस सेवन एम प्लस वन, करेक्ट। तो एन इज सेवन और एन इज माइनस वन, दो लाइन है, एक सेवन एक्स माइनस एक्स, माने अल्टीमेटली 7x माइनस 1 0 1 है और x प्लस y 0। देयर आर टू सच थिंग्स। सो लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट तो यू नो, देखो आई लीव दैट जजमेंट टू यू, है ना, आप लोग जज करो खुद। क्या बेसिकली इस लाइन का जो इंटरसेप्ट था तो रिक्वायरमेंट का भी इंटरसेप्ट उतना ही है। तो हमने क्या किया बेसिकली, पहले ये वाला फंडा यहां क्या किया हमने, वी फाउंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन द गिवन सर्कल, ये इंटरसेप्ट है टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट। तो फिर यहां क्या किया हमने, यहां हमने इंटरसेप्ट फाइंड किया वाई बाय डब्ल्यू स्क्वायर लाइन का और दोनों को क्या किया हमने इक्वेट किया, तो क्वाड्रेटिक आ गया। सो ये देखो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद कर सकते हैं। क्या पूछा उन्होंने, मिडिल पॉइंट, है ना। अच्छा मिडिल पॉइंट का मतलब ऑल यू नीड टू डू इज के अप्लाई, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, अरे मिटा दिया। तो बहुत ही सिंपल है, ये सर्कल है, लाइन है, ये वाला पॉइंट पूछा हूं और ये हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, ठीक है। सो ऑल यू डू इज की वी नीड टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑन टू दिस लाइन, ठीक है, आप कर सकते हो। Okay, so we'll stop here. We'll discuss next concept in our next class.